Good morning, kids. Today we will do picture reading, and we will do picture reading of food we eat. हम जो भी खाना खाते हैं, we get it from two sources. एक तो हमें plants से मिलता है और एक हमें animals से मिलता है. तो आज हम वो दोनों ही चीज़ें देखेंगे. और food हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फूड से हमें एनर्जी मिलती है. आप जो भी काम करते हैं, आप उठते हो, खेलते हो, पढ़ाई करते हो, मस्ती करते हो, ठीक है, ये सब चीज़ों के लिए आपको एनर्जी चाहिए होती है. और ये एनर्जी आपको किससे मिलती है? फूड से, यानी कि खाने से. सो आज हम इसी के बारे में देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सो किड्स, ओपन द पेज नंबर 18 एंड 19. फर्स्ट ऑफ ऑल we will do page number 18, food we eat. First of all, we will write today's date, and today's date is 2nd September 2020. Are you happy? Are you okay? Or are you sad? I am happy. Yes. So, now let's come to picture reading. What is this? This is milk. I hope you all drink milk. Yes. Milk gives you lots and lots of energy. Milk makes you strong. ठीक है? अगर आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बच्चे बनना है और जल्दी जल्दी से बड़े होना है, तो यू ऑल शुड ड्रिंक मिल्क. नेक्स्ट इज एग. एग को हम अंडा भी बोलते हैं. एग इज ऑल्सो वेरी वेरी न्यूट्रिशियस. एग में भी बहुत एनर्जी होती है. एग में बहुत सारा प्रोटीन होता है. एंड दिस इज फिश. यू ऑल नो फिश लिव्स इन वॉटर. And fish is also a very, very good source of energy. Next is meat. Meat होता है, chicken होता है. ये भी हमें बहुत सारी energy देते हैं. We get a lot of energy and it is a good source of protein. So kids, milk, egg, fish and meat. ये सारी चीजें हमें मिलती है animals से. Okay? Fish, egg, milk and chicken. अब हम वो चीजें पढ़ेंगे जो हमें मिलती है प्लांट से. पल्सेस. पल्सेस मामा जो आपके घर में दालें बनाती है, आप राइस के साथ, चावल के साथ जो दाल खाते हो, उसे हम क्या बोलते हैं? पल्सेस बोलते हैं. पल्सेस आर ऑल्सो अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन. पल्सेस हमें खाने चाहिए. नेक्स्ट इज वेजिटेबल्स. ओके, आपके बॉडी के लिए, आपके बॉडी को बहुत अलग अलग टाइप के न्यूट्रिशन चाहिए, विटामिन्स चाहिए, मिनरल्स चाहिए. ठीक है, तो हमें बहुत सारी जो है हेल्दी चीज़ें मिलती है वेजिटेबल्स से. सो यू ऑल शुड ईट ऑल द वेजिटेबल्स. और आपको अलग अलग टाइप के वेजिटेबल्स खाने चाहिए. ये नहीं है कि मुझे सिर्फ भिंडी पसंद है. नो, यू शुड ईट ऑल द वेजिटेबल्स. ठीक है, आपको अपने खाने में सारे वेजिटेबल्स इंक्लूड करने चाहिए. नेक्स्ट इज चपाती, जिसको आप रोटी भी बोलते हो. ये तो आप सब खाते ही हैं. आप सब्जी के साथ खाते हो, आप पराठे खाते हो. ठीक है, तो ये जो बनता है किससे बनता है? आटे से बनता है चपाती. एंड चपाती इज ऑल्सो अ वेरी गुड सोर्स ऑफ एनर्जी. आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज ब्रेड. जैसे आटे से रोटी बनते हैं, वैसे ही आटे से ब्रेड भी बनती है. एंड मेनी पीपल, बहुत सारे लोग ब्रेड भी खाते हैं. ठीक है, यू शुड ईट ब्रेड, नॉट एवरी डे. यू शुड नॉट ईट ब्रेड एवरी डे, बट कभी कभी आप ब्रेड खा सकते हैं. नेक्स्ट इज सैंडविच. अगर आप ब्रेड को हेल्दी सैंडविच बना के खाएं, तो इट इज वेरी गुड. ओके, फॉर योर हेल्थ. इसमें आप ब्रेड के अंदर आप जब सैंडविच बनाते हो, तो आप बहुत सारे वेजिटेबल्स, चीज एंड यू कैन ऐड टोमेटोज, बहुत सारी चीजें इसको हेल्दी बना के आप खा सकते हो. दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड सोर्स ऑफ एनर्जी. नेक्स्ट इज
कुकीज एंड बिस्किट्स, ये तो आप सबके फेवरेट है ना? आप सबको कुकीज एंड बिस्किट्स पसंद है ना? यस, खाना चाहिए ये भी, ठीक है, मगर थोड़ा सा मॉडरेशन में, थोड़ा सा कम खाना चाहिए। ये नहीं है कि आप पूरे दिन बिस्किट्स एंड कुकीज ही खाएंगे, ठीक है। जब आप बाकी चीजें खाएंगे, जब आप सब्जी, दाल, चावल, रोटी खाएंगे, तो आपको फिर कुकीज एंड बिस्किट्स भी मिलेंगे, ठीक है। यू शुड ईट दिस ऑल्सो। नेक्स्ट इज बर्गर। ओ, डू यू ऑल लाइक बर्गर? यस, ये आप सबने देखा होगा और सबने खाया भी होगा। यस, ये भी सैंडविच की तरह ही होता है। इसमें जो होता है ब्रेड की जगह इट हैज बंस, जिसको हम बर्गर बोलते हैं, और इसके अंदर भी आप वेजिटेबल्स डालते हो, चीज डालते हो एंड बहुत सारी चीजें, वॉट एवर यू लाइक, ठीक है। सो इट्स ऑल्सो अ बर्गर। नेक्स्ट इज पिज्जा। यू ऑल लाइक पिज्जा? सबने पिज्जा खाया है बहुत सारी चीज के साथ। यस, बट किड्स, दिस कुकीज, बर्गर एंड दिस पिज्जा, ऑल दीज आर जंक फूड, ठीक है। जंक फूड आपको पता है ना, जो नॉट सो हेल्दी फूड होते हैं, इसलिए हमें इसको हर रोज नहीं खाना चाहिए। कभी कभी आप खा सकते हो, बट नॉट एवरी डे। एवरी डे यू शुड ईट हेल्दी फूड। नेक्स्ट इज सैलड। सैलड इज ऑल्सो वेरी वेरी न्यूट्रिशियस फूड। सैलड में मम्मा टोमेटो डालती है, मम्मा कुकुम्बर डालती है, मम्मा ऑनियंस भी डालते हैं। यस, तो यू ऑल शुड ईट सैलड। नेक्स्ट इज राइस, जिसको आप चावल भी बोलते हैं, एंड आप सबको दाल चावल तो बहुत पसंद होगा, है ना। इट इज अगेन अ वेरी वेरी हेल्दी फूड, तो यू शुड ईट राइस ऑल्सो। नेक्स्ट इज सूप। टोमेटो सूप, वेजिटेबल सूप, जब बहुत विंटर्स होते हैं, जब बहुत ठंडी होती है, तो हमें कुछ गरम गरम खाने का मन करता है ना, तो मम्मा क्या देते हैं? सूप देते हैं। यस, सूप इज ऑल्सो अ वेरी वेरी हेल्दी फूड। यू ऑल शुड ड्रिंक सूप। नेक्स्ट इज ओ नूडल्स, मैगी, नूडल्स, ये सब भी आपको बहुत पसंद है ना, ये भी आपको खानी चाहिए, मगर थोड़ी थोड़ी, कम कम खानी चाहिए, कभी कभी आप खा सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज पोहा। पोहा इज ऑल्सो अ वेरी वेरी हेल्दी फूड, ठीक है, मम्मा बनाती है ना पोहा। यस, यू ऑल शुड ईट इट। नेक्स्ट इज डोसा। वाव, आई लव डोसा। डोसा, इडली, सांबर, चटनी, यस, डोसा भी राइस से बनता है, सो यू ऑल शुड ईट इट। इट इज ऑल्सो अ वेरी वेरी हेल्दी फूड। नेक्स्ट इज ओ वाव, केक। आज किसी का बर्थडे तो नहीं है? जब किसी का बर्थडे होता है तो व्हाट वी डू, वी कट द केक। आप सब केक लाते हो और केक काटते हो ना अपने बर्थडे पे? यस, यू ऑल लाइक केक? वाव, इट इज सो स्वीट, सो यमी। यस, सो दिस इज अ केक। नेक्स्ट इज आइसक्रीम। नाउ, आजकल समर सीजन है, इट्स वेरी वेरी हॉट, सो यू ऑल लाइक टू ईट आइसक्रीम, है ना। जब बहुत गर्मी होती है बाहर, तो ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाने में कितना मजा आता है। आप सबने खाई होगी समर में आइसक्रीम इस सीजन में? यस, यस। नेक्स्ट इज ओ समोसा। क्या है ये? समोसा। समोसा आपने देखा होगा मिठाई की शॉप में, हलवाई की शॉप में अक्सर मिलता है, ठीक है। सो इट इज ऑल्सो एज अ स्नैक, आप कभी कभी इसे खा सकते हैं। नेक्स्ट इज चिप्स। ये तो सारे बच्चों के फेवरेट होते हैं, चिप्स। यस, बट अगेन इसको भी हम कभी कभी खाएंगे, नॉट एवरी डे। ओके, एज अ स्नैक आप इसे कभी कभी खा सकते हैं। इट इज पोटैटो चिप्स। किसके होते हैं ये? आलू के चिप्स होते हैं, एंड इट इज, क्योंकि इसमें आलू है, सो इट इज हेल्दी, बट यू शुड ईट समटाइम, नॉट ऑलवेज, कभी कभी। ओके, नेक्स्ट इज पास्ता। यस, पास्ता वेन मेड विद वेजिटेबल्स, जब आप उसमें बहुत सारी मम्मा को बोला करो सब्जियां डालें पास्ता में, ताकि उस पास्ता को हेल्दी बनाए, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज, लास्ट इज स्वीट। स्वीट्स मतलब मिठाई। ये यहाँ पे मुझे नजर आ रहे हैं रसगुल्ले। आप सबको पसंद है, मिठाई की दुकान में आपने देखे होंगे रसगुल्ले, सो दीज आर स्वीट्स।
कुछ मीठा, ठीक है, आप सबको पसंद होगा मीठा, यस। सो किड्स, हमने देखा आज बहुत सारे फूड देखे जिसमें हेल्दी भी है और अनहेल्दी फूड भी है, बट यू ऑल शुड ट्राई टू ईट हेल्दी फूड। हमेशा अपने डाइट में ट्राई टू इंक्लूड हेल्दी फूड सो दैट यू ऑल बिकम स्ट्रांग एंड हेल्दी। ओके किड्स, सो ऑल ऑफ यू डू दिस पिक्चर रीडिंग इन योर पिक्चर बुक पेज नंबर 18 एंड 19 एंड सेंड मी योर वीडियोज डूइंग द पिक्चर रीडिंग। ओके, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।